वो मैं देखा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे हेडलाइटों में प्रॉब्लम चल रहा है, एक साइड डिम आ रहा है और एक साइड फुल आ रहा है। तो हम देखेगा मेरी गाड़ी की ऐसी हालत हो चुकी है, एक साइड फुल हो जा रहा है, एक साइड डिम हो जा रहा है। लाइट्स के बारे में तो पहले बोल रहे बैटरी थोड़ा और नींबू रगड़ने से इसका जो हेडलाइट का पीलापन रहता है ना वो निकल जाता है। तो चलो एक तो आज हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम गाड़ी के पास आ चुके हैं, ये मेरी एर्टिका है। मैं इसका हेडलाइट कुछ टाइम पहले ही चेंज करवाया था, जब इसका रेट था 3,500 पर साइड था, और अभी मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है एक साइड का राइट साइड का हेडलाइट, जो हल्का हल्का पीला सा दाग टाइप का आ गया है। एक साइड तो बहुत क्लियर दिख रहा है। तो कई यूट्यूबर लोग बता रहे थे कि बेकिंग सोडा और नींबू को लगाने पर इसका मार्क्स तो चले जाता है। तो हम लोग चलो दोस्तों ट्राई कर लेते हैं, हम लोग भी अगर ये बात सच है तो अच्छी बात है। और इसका नया हेडलाइट अभी का रेट मार्केट पे चल रहा है 4,000 से 5,000 रुपये, इतना तो मैं खर्चा कर नहीं पाऊँगा। तो फिर मैं यही ट्राई करने की सोच रहा हूँ। देखो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे लोग कुछ और कुछ बताते हैं, इसको यूज़ करो, इसको लगाओ, इसको रिमूव करो, तो इससे कुछ होता नहीं है। तो हम भी आज ट्राई करते हैं कुछ होता है या नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब और दोस्तों इसमें पहले दिखा गए थे कि बाकी यूट्यूब में तो नींबू से काटना चाहिए, काटने के बाद अब हम इसको कट कर लिए हैं। अब हमारे बैकिंग हो रहा है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा, ये मेरा पहला ब्लॉग है। इसका रिजल्ट तो आ रहा है, इतना गंदगी नहीं कर रहा है गाड़ी से। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक बहुत उसको रगड़ा हूँ नींबू और बेकिंग सोडा लगा के, इसका तो हल्का हल्का पीला सा दाग आने लगा है। तो एक्चुअली उतना रिजल्ट तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रिजल्ट आ रहा है इतना। तो अब नींबू और बेकिंग सोडा मिलाकर रगड़ चुका हूँ, अब इसको साफ करते हैं। तो इसमें कुछ फिनिशिंग आई है, पहले से तो बहुत बेटर लग रहा है मेरे को ये। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए दोस्तों, 100% तो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन 60-70 तो मैं वो कंफर्म बता सकता हूँ। हेडलाइट क्लीन करने से पहले और क्लीन करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है मुझे। तो इससे अच्छा है कि मेरा बहुत सारा खर्चा बच गया है हेडलाइट को। फिर से एक बार मैं नींबू लगा के बैकिंग सोडा अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ फिर इसका नतीजा थोड़ा और बेहतर होता है और बहुत अच्छी बात है। तो होगा और एक बार और बैकिंग सोडा के साथ मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको। अच्छे से 2 मिनट तक मैं इसको रगड़ के साफ कर देता हूँ। फर्क तो लग रहा है दोस्तों, मुझे तो पहले से बेटर हो चुका है इसका। मेरे गाड़ी पे पीला धब्बे तो इतना तो कम नहीं हुआ है, लेकिन हल्का हल्का हुआ है। पहले का और अभी का मैं थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है, बस इतना ही है। और उतना तो पता नहीं चल रहा है दोनों साइड से देखने पे, लेकिन एक साइड से थोड़ा पीला। तो दोस्तों मेरे गाड़ी पे तो अभी तो बहुत बेटर दिख रहा है, दोनों हेडलाइट दूर से देखने पर एक ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखते हैं कल भी क्या होता है, या फिर मुझे तो नया लगाना ही पड़ेगा किसी भी हालत पर।